हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डायनासोर से संबंधित कुछ बातें शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप छाया डी फॉर सी में। चलिए शुरू करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर ने धरती पर लगभग 15 करोड़ साल तक राज किया, जो मनुष्यों के इतिहास के कुल समय का महज 0.1% है। डायनासोर शब्द प्राचीन ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ है ट्रिबल लिजार्ड, मतलब भयंकर छिपकली। हिंदी में डायनासोरों को भीम सरट कहते हैं, जिसका संस्कृत में अर्थ भयानक छिपकली होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर के अंत का कारण था एक 10 किलोमीटर के दायरे वाला उल्का, जो आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले मैक्सिको के पेनिनसुला से टकराया और पृथ्वी पर भयंकर तबाही मच गई। सारा आकाश कई सालों तक राख से ढका रहा, जिसकी वजह से धरती पर से लगभग सभी डायनासोरों का खात्मा हो गया। अब तक मिले जीवाश्मों से डायनासोर की 2468 प्रजातियों के बारे में पता चला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर की हजारों प्रजातियां रही होंगी। अब तक खोजे जाने वाले डायनासोरों का सबसे बड़ा जीवाश्म 27 मीटर लंबा है, जो अमेरिका के ब्योमिंग से मिला है। अगर पृथ्वी के इतिहास को 24 घंटों में बांट दिया जाए, तो सुबह 4 बजे पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ था, 10:24 पर पृथ्वी पर पेड़ उगने लगे, 11:41 पर डायनासोरों के जीवन की शुरुआत हुई और 11:58 पर मानव इतिहास की शुरुआत हुई। डायनासोरों के कंकाल दुनिया के हर महाद्वीप में पाए गए हैं, पर यह बात ध्यान रखने लायक है कि उस समय पृथ्वी के सभी महाद्वीप आज के मुकाबले एक दूसरे से कम दूर थे। जुरैसिक पार्क फिल्म में डायनासोरों के चिल्लाने की आवाज़ें कछुए के सेक्स की रिकॉर्डिंग से तैयार की गई है। ऐसा नहीं है कि सभी डायनासोर बड़े थे, कई मुर्गे जितने छोटे छोटे डायनासोरों के अवशेष भी मिले हैं, जो कीड़े खाते थे। डायनासोर कई बार पत्थर के टुकड़ों को खा जाते थे, यह टुकड़े उनके पेट में रहकर भोजन को पीसने में सहायता करते थे। मध्य चीन के कुछ किसान डायनासोरों की हड्डियों से दवाइयाँ तैयार करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि यह ड्रैगनों की हड्डियाँ हैं। पृथ्वी के जिस काल में डायनासोर रहते थे, उसे मैसोजिक इरा कहते हैं। मैसोजिक इरा के 3 भाग होते हैं, ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। वैज्ञानिक अभी तक इस विचार पर एकमत नहीं हैं कि डायनासोर कितने समय तक जीते थे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उनका जीवन काल उनकी प्रजातियों पर निर्भर करता है। कुछ बड़ी प्रजातियाँ 200 साल तक जीवित रहती थी। लगभग सभी डायनासोर अंडे देते थे। अब तक 40 प्रकार के अंडों के अवशेषों को खोजा गया है, जो डायनासोर के थे। डायनासोर के अंडे एक क्रिकेट बॉल से लेकर एक बास्केटबॉल तक जितने बड़े होते थे। डायनासोर मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के होते थे। ज़्यादातर डायनासोर शाकाहारी थे। जो डायनासोर पानी के नज़दीक रहते थे, उनके अवशेष सबसे ज़्यादा मिले हैं। गुजरात के नर्मदा नदी के इलाके से भी डायनासोर का एक अवशेष मिल चुका है, जो 7 करोड़ साल पुराना है। डायनासोरों की कई प्रजातियां उड़ने में भी सक्षम थी। डायनासोरों ने लगभग 15 करोड़ साल पहले उड़ना सीखा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे द्वारा डाली गई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।